वैसे तो यूपी पुलिस अपने कारनामों के लिए हमेशा ही सुर्खियों में बनी रहती है, लेकिन इन दिनों कानपुर में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक सिपाही आइसक्रीम ठेले को ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि आइसक्रीम वाला रात 9 बजे के बाद भी आइसक्रीम बेच रहा था। इस दौरान जब पुलिसकर्मियों ने उसे देखा तो आइसक्रीम वाला वहां से भागने लगा, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने आइसक्रीम के ठेले को चलाकर साइड में खड़ा कर दिया। वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक पुलिसकर्मी आइसक्रीम का ठेला चलाकर ले जा रहा है, जबकि दूसरा पुलिसकर्मी मोटरसाइकिल से जा रहा है। हालांकि आइसक्रीम का ठेला उसके मालिक को सुपुर्द कर दिया। पुलिस के इस वायरल वीडियो पर एसपी साउथ ने सफाई देते हुए कहा कि आइसक्रीम वाले को ठेला दे दिया गया है, साथ ही उसे देर रात तक आइसक्रीम नहीं बेचने की भी हिदायत दी गई है। बर्रा में एक प्रकरण सामने आया है, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंदर एक सिपाही जो है एक आइसक्रीम का ठेला ले जाते दिख रहा है देर रात को। इसके बारे में जानकारी प्रभारी निरीक्षक द्वारा की गई तो हमें पता चला कि इसमें रात के समय जब जीब्रा राउंड पर थी और क्योंकि नाइट कर्फ्यू लागू है तो जीब्रा ने देखा कि आइसक्रीम बिक रही है और उसको अचानक पुलिस को देखकर उसने भागना शुरू कर दिया अपने ठेले को छोड़कर। तो ये लोग ठेले को साइड करने लग रहे थे, इतने में वो आइसक्रीम वाला वापस आया, उसको समझा बुझा दिया गया किस तरीके से ना किया जाए, उसके बाद वो आइसक्रीम वाला वहां से चला गया। ये मामला था। आपको बता दें कि देश भर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक पूरे तरीके से लॉकडाउन है, जिसके चलते यूपी पुलिस भी लोगों से रात में भी सहयोग की अपील कर रही है। कानपुर से अमरीश त्रिपाठी की रिपोर्ट।